नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में वन प्लस सिक्स के अंदर में एक ऐसे हिडन सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड, जो कि वह सेटिंग है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ, मान के चलिए आपके घर में कोई बच्चा है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, वो आपका फ़ोन मांग लेता है और क्या करता है कि भाई बोलता है कि भाई मेरे को यूट्यूब चलाने के लिए दे, मैं सिर्फ यूट्यूब चलाऊंगा। तो उस सिचुएशन में उसको तो आप यूट्यूब चलाने के लिए दे देते हैं, लेकिन वह यूट्यूब के सिवा कुछ दूसरा भी यूज करता है, फ़ोनपे यूज कर लेता है या फिर आपका व्हाट्सअप यूज कर लेता है या फिर आपका फेसबुक यूज कर लेता है। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा नेगेटिव गिल्टी महसूस होता है फ्रेंड्स कि आपका व्हाट्सएप में वो क्या चेक कर रहा है या फिर आपका फेसबुक में वो क्या चेक कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है फ्रेंड्स। तो अगर वो ऐसा सेटिंग में आपको बता दूं कि अगर उसको आप अपने व्हाट्सएप खोल के दिए तो वो सिर्फ व्हाट्सएप ही चलाए या फिर यूट्यूब उसको खोल कर दिए तो सिर्फ यूट्यूब ही चलाए, तो आप अपने फोन के अंदर में ऐसा सेटिंग आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि ये सेटिंग बिल्कुल ही आसान है फ्रेंड्स। आप इसको किस तरह आप ये सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं फिर या फिर इस सेटिंग को किस तरह आप डिसेबल कर सकते हैं, पूरी की पूरी इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड्स, जो कि उस सेटिंग का नाम है फ्रेंड्स स्क्रीन पिनिंग। तो इस स्क्रीन पिनिंग को आप किस तरह आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरी की पूरी मैं जानकारी दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप अपने फोन के सेटिंग में आ जाए, तो देखिए आपको किस तरह इस सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं वो मैं कर दिखाता हूं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप अपने फोन के सेटिंग में आ जाए, तो देखिए मैं यहां पे फोन के सेटिंग में यहां पे आ जाता हूं। फोन के सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे थोड़ा सा नीचे आएंगे फिर, तो स्क्रीन लॉक एंड यहां पे सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहां पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखिए एडवांस के ऊपर आप क्लिक कर दें। एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखिए थोड़ा सा जैसे आप नीचे आएंगे फिर, तो यहां पे देखिए स्क्रीन पिनिंग वाला है जो यहां पे ऑफ है, इसको आप सबसे पहले इसको यहां पे ऑन कर दें। अब इसको ऑन करने के बाद जो इसका फीचर है उसको किस तरह आप यूज कर सकते हो वो मैं कर आपको पहले दिखाता हूं। तो यहां पे देखिए मैं पूरा बैक जाता हूं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखिए मैं मान के चले यहां पे मैं YouTube में खोल लेता हूं। YouTube खोल के फ्रेंड्स यहां मैं सीधे होम बटन पे यहां पे आ जाता हूं। होम बटन पे आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखिए रीसेंट बटन है फ्रेंड्स, रीसेंट बटन को आपको दबाना होगा। तो देखिए मैं यहां पे रीसेंट बटन को दबा लेता हूं। रीसेंट बटन दबाने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखिए आपका कोई भी दोस्त है वो बोल रहा है सिर्फ दोस्त में यहां पे आपका यूट्यूब चलाऊंगा, तो आपको इस तरह यूट्यूब उसको चालू करके दीजिएगा। यहां पे देखिए यहां पे रीसेंट बटन दबाने के बाद यहां पे देखें ऊपर में थ्री डॉट है, थ्री डॉट के ऊपर आप क्लिक कर दें। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे पिन है, इसको आप पिन कर दें। यहां पे जैसे इसको आप पिन कर देंगे फ्रेंड्स उसके बाद यहां पे इसको पर क्लिक कर दें। यहां पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप उस फ्रेंड को आप दे दें यूट्यूब चलाने के लिए, कहिए लो इसको यूट्यूब आप तुम चलाओ। अब वहां पे ये बैक जाना चाहेगा फ्रेंड्स, तो यहां पे देखिए वो बैक बिल्कुल जा ही नहीं पाएगा, कोई भी बटन यहां पे काम करेगा उस वक्त वर्क ही नहीं करेगा। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ वो यूट्यूब ही चलाते रह जाएगा फ्रेंड्स, उसको आप कोई भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसको यूट्यूब उसको ही चलेगा फ्रेंड्स। तो आप ऐसा सेटिंग करके अपने फ्रेंड को या अपने घर में बच्चे को दे देते हैं या किसी भी को दे देते हैं फ्रेंड्स, आपको डर लगा रहता है, तो इस सेटिंग को आप इस तरह करके आप दे दीजिएगा। तो वो फ्रेंड है जो कि आपको यूट्यूब छुड़ाकर कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही इंस्टाग्राम, ना ही फेसबुक, ना ही ट्विटर, ना ही अमेजोन पे या नहीं फोन पे, कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से स्क्रीन पिनिंग करके कोई भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं फिर, या फिर इसको अपने सब मान लेते आपने ऐसा कर दिया, स्क्रीन पिनिंग कर दिया, अब इसको डिसेबल करना है। तो किस तरह इसको डिसेबल करना है, तो इसको डिसेबल करने के लिए फ्रेंड्स मान के चले आपको इसको अभी सेटिंग को आपको डिसेबल करना है, स्क्रीन पिनिंग को आपको डिसेबल करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दिए टू फिंगर का बैक बटन और रीसेट बटन को आप एक साथ दबाएंगे फ्रेंड। तो देखिए मैं यहां पे दोनों को एक साथ इस तरह दबाता हूं फ्रेंड, तो देखिए मेरा बैक हो गया, यानी कि इसे फिर से स्क्रीन लॉक हो गया। अब है कि आपका कोई फ्रेंड जैसे वो बैक भी अगर चला जाता है फ्रेंड, तो उसको स्क्रीन लॉक हो जाएगा फ्रेंड्स, वो दोबारा फिर बोलेगा कि यार मेरे को दो यार ये तेरा फोन है जो का स्क्रीन लॉक हो गया, तो आपको पता लग जाएगा कि उसने स्क्रीन पिनिंग सेटिंग को छेड़ दिया है। तो इस तरह आप कर उसको देंगे फ्रेंड तो उसको पता लगेगा। तो यहां पे देखिए मैं स्क्रीन लॉक यहां पे खोला हूं, अब मैं यहां पे बैक जाऊंगा फ्रेंड, तो देखिए यहां पे मैं बैक भी जा रहा हूं। तो इस तरह बहुत ही आसानी से स्क्रीन पिनिंग सेटिंग आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड स्क्रीन पिनिंग का लॉक खोलने का तरीका भी जान जाता है तो ऑटोमेटिक अगर वो खोलेगा तो आपको पैटर्न लॉक हो जाएगा फ्रेंड्स, या पिन लॉक हो जाएगा, आप जो भी या फिंगरप्रिंट लगाए हैं तो फिंगरप्रिंट लॉक से खुलेगा फ्रेंड्स। तो ये सेटिंग आप करके रखेंगे या किसी फ्रेंड को देंगे तो आप बहुत हद तक अपना फोन को सिक्योर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वन प्लस सिक्स के अंदर में स्क्रीन पिनिंग का सेटिंग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। बेल आइकन घंटी को आप दबाएंगे फ्रेंड्स उसमें एक कॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर देगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब भी इस तरह का कोई भी वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।